हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुँच सके। पिछली क्लास के अंदर अपन जान रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने जान लिया था वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, यदि क्या है हेड टू टो, क्या करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है किसी बच्चे के अंदर, किसी अडल्ट के अंदर, तो कैसे करते हैं उसका एक सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले क्या करना होता है, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परक्यूशन, ऑस्क्यूटेशन एंड मैनिपुलेशन। सेकंड में अब बताया था कि एक अकेला ओनली एक कंडीशन को छोड़कर जब एब्डोमन का एग्जामिनेशन करना होता है तो उसके अंदर सीक्वेंस चेंज हो जाती है। नेक्स्ट में अपन ने जाना था हेड के एग्जामिनेशन के बारे में, नॉर्मल सर्कमफ्रेंस के बारे में जाना था, सूचर्स के बारे में जाना था, फंटेनलिस के बारे में जाना था। नेक्स्ट में अपन ने आई एग्जामिनेशन कंप्लीट पढ़ लिया था। नेक्स्ट में ईयर एग्जामिनेशन की बात कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट में आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ फिजिकल एग्जामिनेशन नॉज। नोज के अंदर यदि पोजीशन या लोकेशन की बात की जाए तो नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है जो नोज सिचुएटेड होता है वह कहाँ होता है और कैसे होता है। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन नोज लोकेटेड एट मिड ऑफ द फेस एंड फ्लैट डो नॉट प्रेजेंट फ्लेयर। क्या होगा, जो नॉर्मल कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है जो नोज लोकेट देखने को मिलेगा, जो फेस होगा फेस के बिल्कुल मिड में, और कैसा होगा, फ्लैट होगा और क्या नहीं प्रेजेंट नहीं होगा, जो फ्लेयर होता है नेजल फ्लेयरिंग होती है वह नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बच्चा क्या हुआ है, नॉर्मल डिलीवर हुआ है, हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ है। यदि क्या है, किसी बच्चे के अंदर नेजल फ्लेयरिंग की कंडीशन है प्रेजेंट है, तो इफ एनी बेबी प्रेजेंट नेजल फ्लेयरिंग देन इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, तब यह इंडिकेट करेगा RDS रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देन इट इंडिकेट RDS रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यदि बात कर ली जाए RDS के अंदर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन अपन ने जाना, यदि क्या हुआ है नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा RDS को, क्या किस चीज को, RDS की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है, जो आउटवर्ड नोस्टिल्स होते हैं वाइडिंग हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ इंस्पायरेशन, जब क्या कर रहे हो इनहेलेशन कर रहे हो या इंस्पायरेशन कर रहा हो बच्चा, उस टाइम क्या देखने को मिलेगा, जो आउटवर्ड नोस्टिल्स होते हैं वो वाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेजल फ्लेयरिंग। सेकेंड वन क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट प्रोटीज,
प्रोट्रूजन क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट प्रोट्रूजन किसके अंदर है, आरडीएस की कंडीशन के अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर है। सेकेंड वन देखने को मिलेगा चेस्ट प्रोट्रूजन। चेस्ट प्रोट्रूजन क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ ए स्टर्नम या अपोजिट मोमेंट ऑफ ए स्टर्नम, जो स्टर्नम होगी उसकी अपोजिट मोमेंट होने लग जाएगी। नेक्स्ट वन लास्ट वन सिम्टम्स देखने को मिलता है ग्रंटिंग। क्या देखने को मिलता है, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या होती है, डीप रेस्पायरेशन के दौरान, कब जब बच्चा क्या करता है, डीप रेस्पायरेशन करता है तो उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, ग्रंटिंग। क्या बोला जाता है, ग्रंटिंग। ये तीनों के तीनों मोस्ट कॉमन है साइन एंड सिम्टम्स है नेजल फ्लेयर, सॉरी भाई आरडीएस की रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ नोज। नोज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इन नोज। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम of nose, DNS, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, DNS, DNS। यदि फुल फॉर्म की बात कर ली जाए, DNS की फुल फॉर्म क्या होगी, deviated nasal septum, deviated nasal septum। तो नेजल सेप्टम होगा, यह क्या करेगा, नेजल कैविटी को डिवाइड करेगा। नेजल सेप्टम इज डिवाइड द नेजल कैविटी, इट डिवाइड द नेजल कैविटी इन टू पार्ट, इन टू पार्ट। राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा कौन, नेजल सेप्टम। यदि बात कर ली जाए नेजल सेप्टम की, तो नेजल सेप्टम प्रेजेंट कहां होता है, मिड लाइन ऑफ द नेजल कैविटी, बिल्कुल मिड लाइन की तरह होता है नेजल कैविटी की। तो डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं, ये क्या है नोज, ये सेप्टम, नेजल सेप्टम। क्या है भाई, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या करता है, जो नोस्ट्रियल नेजल कैविटी होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट। सेकंड वन यदि कंडीशन के या नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर ली जाए, प्रॉब्लम के अंदर बात कर ली जाए, तो डीएनएस होगा डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो नेजल सेप्टम है डेविएट हो जाएगा वन साइड, या तो आइदर राइट एंड लेफ्ट, या तो राइट साइड में डेविएट हो जाएगा या लेफ्ट साइड में। ये कौन सी कंडीशन है, इसके अंदर राइट साइड में क्या हो गया है, डेविएटेड हो गया है कौन, नेजल सेप्टम। In this condition, nasal septum deviated either right or लेफ्ट, या तो लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, सेप्टम डेविएटेड। और क्या होगा, जिस साइड डेविएटेड होगा उस साइड क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, उस साइड की जो नोस्ट्रिल्स होगी वह नैरो हो जाएगी, और अदर साइड की जो नोस्ट्रिल्स होगी वह क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन जान लेते हैं, यदि ऐसा होता है तो कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है। In the case of DNS, most common complication is
epistaxis. In the case of deviated nasal septum most common complication is epistaxis. क्या होता है? नोज ब्लीडिंग. क्या होता है? नोज ब्लीडिंग इन सॉरी भाई नोज ब्लीडिंग इन अनअफेक्टेड साइड. कौन सी साइड से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी? अनअफेक्टेड साइड से क्या देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी किस केस के अंदर? डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम के केस के अंदर ब्लीडिंग सीन इन अनअफेक्टेड साइड. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मोर एयर फ्लो इन द वाइड साइड ऑफ नॉस्ट्रिल्स and nose, then made stretchers, then leads to bleeding क्या होगा? जिस साइड क्या हुआ है अफेक्टेड हुआ उस साइड से क्या हो जाएगी? एयर कम पास आउट होने लग जाएगी नोज के अंदर है. सेकेंड वन यदि बात कर ले जाए अनअफेक्टेड साइड या किस साइड है अनअफेक्टेड साइड क्या होगा? एयर का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा मोर हो जाएगा. बोल यह भी बोल सकते हैं अनअफेक्टेड साइड एयर फ्लो इंक्रीज देन क्या देखने को मिलेगा? जो स्ट्रीचर्स बन जाएंगे स्ट्रीचर्स क्या कुछ गांठे बन जाएंगे नोट्स बन जाएंगे और जब फास्टली क्या होगा एयर फ्लो इंक्रीज होगा ज्यादा एयर अनअफेक्टेड साइड जाएगी तो नोस्टिल क्या हो सकते हैं रप्चर हो जाएंगे और रप्चर होने के बाद क्या कोज करेंगे ब्लीडिंग देन कोज या देन लीड्स टू ब्लीडिंग. यदि मैनेजमेंट की बात करके चले एपिस्टेक्सिस के अंदर मैनेजमेंट क्या परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सीटिंग अपराइट पोजिशन मैनेजमेंट सीटिंग अपराइट पोजिशन देन लीन फॉरवर्ड and then pinch the nose and apply cool application. मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है? सबसे पहले तो पेशेंट को क्या करनी है? सीटिंग अपराइट पोजीशन. कौन सी पोजीशन? सीटिंग अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करनी है और साथ के साथ क्या करवा देना है? लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुका देना है हेड को लीन फॉरवर्ड कर देना है
और बाद में क्या करना है, पिंच द नोज, और नोज को पिंच कर लेना है ताकि प्रिवेंट कर सकें ब्लीडिंग से। और साथ के साथ क्या अप्लाई कर सकते हैं, कोल्ड अप्लीकेशन क्या करना है, अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले, आप उन्हें यह जान लिया नोज की एग्जामिनेशन के बारे में, सिचुएटेड कहाँ होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, यदि नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगा तो कौन सी डिजीज को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ओरल कैविटी के एग्जामिनेशन की, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर है, ओरल कैविटी के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी और कौन सी नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, इस चीज के बारे में जान लेते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर यदि नॉर्मल बेबी या नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करके चलें तो क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गम्स की, जो गम्स होंगे गम्स का कलर कैसा देखने को मिलेगा, पिंक कलर, और साथ के साथ गम्स कैसे देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट गम्स, गम्स इज मॉइस्ट, gums is moist and color of gums is pink। यदि बात कर ली जाए दोनों की, दोनों कंडीशन किस चीज को इंडिकेट करती हैं। फर्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, जो gums moist है ये तो हाइड्रेशन स्टेटस को इंडिकेट करते हैं, बेबी के अंदर हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए, यह कलर है, कलर किसको, ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। यदि पिंक कलर क्या है, गम्स का है, तो क्या हो रहा है, अच्छे से सफिशियंट ब्लड सप्लाई बच्चे के अंदर है, गम्स के अंदर है, प्रेजेंट है। और साथ के साथ यदि क्या है, मॉइस्ट है, तो उसका हाइड्रेशनल स्टेटस भी क्या है, ओके है, गुड है। इट इंडिकेट्स द indicates the hydrational status and hydrational status and blood supply in the gums। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, किसके अंदर भाई, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यदि गम्स क्या है, मॉइस्ट है, क्या है, सॉरी, यदि गम्स क्या है, इफ एबनॉर्मल कंडीशन कंडीशन gums is dry, gums is dry and color of gums is, color of gums is blue, then it indicate in the baby, then it indicates in the baby baby dehydration and cyanosis condition, cyanosis condition। अपन पढ़ रहे हैं ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन, ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने शुरुआत की सबसे पहले किस
को एग्जामाइन करना है, अपन को एग्जामाइन करना है गम्स को। किसको भाई? गम्स को। यदि गम्स कैसे है, मॉइस्ट है, और साथ के साथ जो कलर है गम्स का वो कैसा है, पिंक है, तो क्या इंडिकेट करेगा उस बेबी का हाइड्रेशनल स्टेटस भी क्या है, बेटर, और साथ के साथ ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो रही है उस बेबी के गम्स के अंदर, परफेक्ट हो रही है, प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई हो रही है। यदि क्या है, यदि अपन बात करके चले एबनॉर्मल कंडीशन की, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो गम्स होंगे वे ड्राई होंगे। कैसे होंगे? ड्राई होंगे। और साथ के साथ क्या देखने को मिलेगा, जो कलर होगा गम्स का ब्लू होगा। कैसा कलर होगा? ब्लू होगा। और ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या इंडिकेट करेंगे, फर्स्ट वन यदि ड्राई है तो बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रेजेंट है, और साथ के साथ यदि क्या है ब्लू कलर है गम्स का तो साइनोसिस की कंडीशन है। उस बेबी के अंदर अच्छे से क्या है, उसका हाइड्रेशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, और साथ के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ एबनॉर्मलिटी डिजीज के बारे में, जिसके अंदर देखने को मिलेगा गम से रिलेटेड ही। फर्स्ट वन इज एस्टिन पियर्स। फर्स्ट वन इज डिजीज एपिस्टेन पियर्स। एपिस्टेन पियर्स की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट सिस्ट फिल्ड विद फ्लूइड सीन ऑन द हार्ड पैलेट एंड गम्स। व्हाइट सिस्ट फिल्ड विद द फ्लूइड प्रेजेंट on hard palate and gums। गम्स के ऊपर क्या होगा, व्हाइट सिस्ट एक स्पेस गांठ प्रेजेंट होगी, और उसके अंदर फ्लूड भी क्या होगा, फिलअप होगा, और वह प्रेजेंट होगी या तो हार्ड पैलेट के ऊपर या गम्स के ऊपर। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें और क्या देखने को मिल सकता है, यह पेनलेस कंडीशन है। क्या होगा, इसके अंदर पेन देखने को नहीं मिलेगा, बेबी के अंदर पेन फेल नहीं किया जाएगा, महसूस नहीं किया जाएगा। इट इज पेनलेस कंडीशन। एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए डिसअपियर की, तो ये 1 to 2 weeks आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इट विल डिसअपियर 1 to 2 weeks after birth। फर्स्ट डिजीज के बारे में जाना, एब्स्टिन पियर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, व्हाइट चीज देखने को मिलती है, उसके साथ साथ फिलअप होता है फ्लूइड, कहां पर, या तो गम्स पे या हार्ड पैलेट के ऊपर देखने को मिलेगी। यह पेनलेस होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पेन प्रेजेंट नहीं होता है। यदि डिसअपियर की बात कर ली जाए, यह 1 to 2 weeks के अंदर डिसअपियर हो जाती है। सेकेंड डिजीज की बात कर लेते हैं, ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट बात कर ली जाए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की, इट इज कॉज्ड बाय कैंडिडा
एल्बिकेन्स। यदि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए ओरल थर्ड के अंदर तो क्या होगा, कैंडिडा एल्बिकेन्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ओरल थर्ड। क्या देखने को मिलता है, वाइट पैचेज प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ द बेबी। बेबी की टंग के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, वाइट पैचेज देखने को मिलेंगे, वाइट पैचेज प्रेजेंट ऑन द वाइट पैचेज, वाइट पैचेज प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ बेबी। यदि बात करके चले पेनलेस है या पेनफुल है तो यह क्या है, पेनफुल कंडीशन। क्या है, पेनफुल कंडीशन। इट इज पेनफुल कंडीशन व्हेन रिमूव द पैचेज फ्रॉम द टंग देन फील बाय द पेशेंट या चाइल्ड पेन। यदि क्या करते हैं, जो पैचेज टंग के ऊपर प्रेजेंट है उनको रिमूव करते हैं तो क्या फील होता है, पेन फील होता है उस बच्चे के अंदर, उस क्लाइंट के अंदर, उस पेशेंट के अंदर। इफ रिमूव द पैचेज फ्रॉम द टंग Then baby suffering from the pain। यह कैसी कंडीशन है, एक फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन है। यदि मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, फ्लूकोनाजोल मेडिसिन विल बी यूज्ड इन द ओरल थर्ड केस। फ्लूकोनाजोल विल बी यूज्ड इन द केस ऑफ ओरल थ्रस्ट। नेक्स्ट यदि बात करके चले, ओरल थ्रस्ट अपन कंप्लीट होता है और साथ के साथ ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन भी कंप्लीट होता है। ओरल कैविटी के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर अपुन ने जाना जो गम्स होते हैं, गम्स का नॉर्मल कलर क्या होता है, जो गम्स होते हैं मॉइस्ट होते हैं या ड्राई होते हैं, किसके अंदर है, नॉर्मल बेबी के अंदर। किसके अंदर भाई, नॉर्मल बेबी के अंदर है। नेक्स्ट अपुन ने जाना कुछ डिजीज के बारे में। फर्स्ट एब्स्टीन पियर्स के अंदर अपुन ने पढ़ा क्या देखने को मिलेगा, वाइट सिस्ट देखने को मिलेगी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, हार्ड पैलेट या गम्स के ऊपर क्या हो सकती है, प्रेजेंट होगी, पेनलेस कंडीशन होगी, डिसअपीयर हो जाएगी 1 to 2 weeks आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट अपुन ने जाना ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेन्स। किसके द्वारा कॉज किया गया है, कैंडिडा एल्बिकेन्स। व्हाइट पैच इज प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ बॉडी, कहां पर है, बॉडी की, बेबी की, सॉरी हाँ बेबी की टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, व्हाइट पैच इज प्रेजेंट रहते हैं। पेनफुल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है। जब रिमूव करते हैं पैचेज को फ्रॉम द टंग के ऊपर से तो क्या देखने को मिलता है, बेबी सफर कर रहा होता है। यदि मेडिकल मैनेजमेंट की बात करके चले तो फ्लूकोनाजोल मेडिसिन विल बी यूज्ड इन द केस ऑफ ओरल थर्स्ट। यह अपनी ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक।
कौन सा हिस्सा आ गया बॉडी का। नेक, अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड के बारे में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। सेकंड वन अपन ने जाना था आई के बारे में, आई के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया कौन कौन से एग्जामिनेशन करनी नेसेसरी होती है। साथ के साथ अपन ने ईयर को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन अपन नोज के बारे में जाना, और लास्ट वन अपन ने अभी अभी ओरल कैविटी के बारे में जाना। ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से टाइप्स की एग्जामिनेशन करके चलनी होती है, क्या क्या एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी नॉर्मलिटी पाई जाती है ओरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि नेक की बात कर ली जाए तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, बेबी के अंदर नेक थिक होगी वह शॉर्ट होगी। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन इन न्यूबॉर्न बेबी नेक इज शॉर्ट, एंड थिक। कैसी देखने को मिलेगी, जो बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, जो नेक होगी वह शॉर्ट होगी। कैसी होगी, शॉर्ट होगी, और साथ के साथ कैसी होगी, थिक होगी। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, बच्चे की नेक के अंदर प्रेजेंट होगा। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विल बी प्रेजेंट इन द बेबी नेक। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विल बी प्रेजेंट इन द नेक ऑफ द बेबी। नेक्स्ट में बात करके चले, जो ट्रैकिया होता है बच्चे के अंदर मिड पॉइंट ऑफ द नेक, बिल्कुल मिड के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया नेक के अंदर, किसके अंदर है, बेबी के अंदर है। इन न्यूबॉर्न बेबी ट्रैकिया विल बी प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ नेक। अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेक की फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, यदि अपन जान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी नेक कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कैसी होती है भाई, शॉर्ट होती है, और साथ के साथ थिक भी होती है। कैसी होती है, शॉर्ट होती है, भाई साथ के साथ थिक होती है। बच्चे की नेक के अंदर कौन सा मोशन प्रेजेंट होता है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विल बी प्रेजेंट इन द बेबी नेक। नेक्स्ट वन अपन ने जाना कि जो ट्रैक क्या होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कहां प्रेजेंट होता है, एट द मिडल ऑफ ए नेक, नेक के मिडल में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर तो टॉर्टिकोलिस क्या देखने को मिलेगा, टॉर्टिकोलिस
क्या होता है टोर्टिकोलिस? फिक्सेशन ऑफ द हेड इन वन साइड ड्यू टू द रिजिडिटी एंड स्पाजम प्रेजेंट इन द नेक मसल्स। यदि क्या हो जाए, नेक की मसल्स होती है, जो गर्दन की मसल्स होती है, इनके अंदर स्पाजम या रिजिडिटी आ जाए तो क्या होगा, जो हेड होगा बेबी का वह एक ही जगह पर फिक्स हो जाएगा। फिक्स ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, हेड ऑफ द बेबी बेबी फिक्स्ड एट ए साइट ड्यू टू द स्पाजम एंड रिजिडिटी इन नेक मसल्स के अंदर स्पाजम और रिजिडिटी आने के कारण जो बेबी का हेड होगा वह एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन सी साइड बेबी का हेड क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। तो सबसे पहले एंटीरियो कॉलिस fixation of head of baby at forward side। क्या होगा, एंटीरियो कोलिस के अंदर जो हेड है वो फिक्सेशन हो जाएगा फॉरवर्ड साइड, कैसी साइड है, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बेबी का हेड फिक्स हो जाएगा। कौन सी कंडीशन के अंदर है, एंटीरियो कोलिस के अंदर है। नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए यदि रेट्रोकोलिस, कौन सी कंडीशन है, रेट्रोकोलिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिक्सेशन